हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल माहिदा टेकी। तो फायर बोल्ट के क्या कहने, मतलब ऐसी ऐसी स्मार्ट वॉच निकाल रहा है और अब जो स्मार्ट वॉच निकाली है वो है आर्टिलरी और इसमें ऐसे अनोखे फीचर है जिनको देख के आप हैरान हो जाओगे। और एक फीचर तो ऐसा है जो कि अभी तक इंडस्ट्री में किसी स्मार्ट वॉच में देखने को नहीं मिला है। तो वो जिस तरीके की रग लुक में आती है स्मार्ट वॉच, आगे पूरा रिव्यू इसका दिखाया जाएगा। प्राइस भी इसका बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव रखा है कंपनी ने। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो बॉक्स कंटेंट तो आपको सबको पता है यार, फायर बोल्ट के क्या क्या रहते हैं। अब इसके अंदर आपको देखिए बहुत ही हल्के से बेजल देखने को मिलेंगे। मैं कहूंगा कि 95% से ऊपर ही इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होगा और बॉडी पूरी रग डिजाइन में है, पॉलीकार्बोनेट की इसकी बॉडी है। साइड में जो है कि गोल्डन कलर का शाइनिंग सा डिजाइन बना दिया है, जैसे हमें इस पे T-Rex 2 में आपने देखा होगा कुछ उस तरीके का डिजाइन है। दो फिजिकल बटन देखने को मिल जाते हैं और ऊपर जो है पूरे का पूरा मेटल केसिंग दे रखी है जिससे कि आपकी वॉच जो है थोड़ी सी प्रोटेक्टेड रहे। पीछे की तरफ जो बैक साइड है वो पूरी की पूरी पॉलीकार्बोनेट की और सेंसर जो है वो थोड़ा सा ग्लास फिनिश में दिए गए हैं। डिजाइन इसका स्ट्रैप थोड़े से हार्ड है, इसके 22mm का स्ट्रैप इसमें देखने को मिल जाता है, लेकिन इजीली रिप्लेसेबल है। पिन लगी है, पिन को निकालो और जो स्ट्रैप है लग जाता है। डिस्प्ले की बात करते तो इसमें 1.50 इंच का HD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है 400x400 पिक्सल के रिजोल्यूशन के साथ में। तो डिस्प्ले क्लैरिटी जो है ऑलमोस्ट एमोलेड की टक्कर की लाइक की है। वेट की बात करते हैं दोस्तों तो इसका वेट निकल के आता है जस्ट 57 ग्राम। तो पहन के देख लेते हैं दोस्तों, काफी अच्छी लग रही है स्मार्ट वॉच पहनने में, काफी अच्छी लुक आ रही है। पूरी का पूरा रग डिजाइन दिया गया है और डायल इसका जो है स्मॉल रिस्ट पे भी थोड़ा सा ठीक ठाक चल जाएगा, बाकी मीडियम और बड़ी रिस्ट पे ही ज्यादा सूट करेगा। रिस्ट वेकअप के रिस्पॉन्स की बात करें दोस्तों तो भी काफी जबरदस्त है। देखिए रिस्ट डाउन करते ही डिस्प्ले बंद हो जाता है, रिस्ट उठाते ही डिस्प्ले ऑन हो जाता है, तो काफी जबरदस्त रिस्पॉन्स है इसका। पेयरिंग के लिए देखिए दोस्तों आपको FB एक्टिव एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहां पे जब आप वॉच को सर्च करेंगे आसानी से पेयर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको किसी तरीके की। यहाँ पे सारे के सारे आप वॉच फेसेस देख सकते हैं। इसके अंदर एप्स मार्केट भी इसके अंदर दी गई है, मतलब कुछ एप्स भी है जो आप इसके अंदर गेम्स वाली अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं, ये काफी अच्छी चीज है। बाकी एप्स मार्केट के अंदर जाएंगे तो आपको कुछ गेम्स मिल जाएंगी, तो जब जो भी आप ऐप को इसमें से इंस्टॉल करेंगे वो आपकी वॉच के अंदर गेम बन के आ जाएगी जिसको आप खेल सकते हैं। बाकी मैसेज नोटिफिकेशन में जाते हैं तो आप नोटिफिकेशन इनेबल कर सकते हैं। आपके मोबाइल की सारी एप्स इसमें दिख रहे हैं तो सबके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, काफी अच्छी चीज है ये। उसके बाद जाके ये जो सोमेटो सेंसरी गेम है, ये वही गेम्स हैं जिसका मैं अभी आपको आगे वीडियो दिखाऊंगा कि मतलब इसको कैसे आप मोशन सेंसिंग गेम जो है इसमें खेल सकते हैं अपने वॉच से कनेक्ट करके। तो ये सारी लिस्ट है गेम्स की, काफी अच्छे से चल रही है, आपको वीडियो में दिखाऊंगा। हार्ट रेट मॉनिटरिंग के हैं, आप अलर्ट्स को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं भैया आपको चाहिए ऑटोमेटिक वाला भी। ब्लूटूथ कैमरा है, फाइंड माय वॉच, अलार्म, रेस टू वेक अप, वेदर पुश मतलब वेदर अपडेट्स आ गए। यहाँ पे QR कोड आप स्टोर कर सकते हैं। फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट ये काफी काम का फीचर है। तो फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट की बात करें तो आप इसमें 250 कॉन्टैक्ट जो है वॉच के अंदर सेव कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा है किसी भी स्मार्ट वॉच से कंपैरिजन में। इसके अलावा फर्मवेयर अपग्रेड आ जाता है कि आप चेक कर सकते हैं भैया करंट वर्जन है क्या है। दोस्तों अब मोशन सेंसर वाली गेम हम खेल के दिखाएंगे, तो हम जो है एक्टिवेट करने वाले हैं। अभी जो हमारे पास गेम है वो है बॉक्सिंग वाली, तो हमने TV से इसको पेयर कर दिया है, तो देखते हैं कि कैसे चलती है ये गेम। स्मार्ट वॉच का मजा लेके हम देखेंगे और हमारे एक खिलाड़ी हैं, एक बॉक्सर महफूज और दूसरे बॉक्सर हम हैं, बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। तो हमने जो है स्लैम टेनिस वाली गेम लगाई, हम थोड़ी आसान सी गेम खेलेंगे, बॉक्सिंग वाली नहीं खेलने वाले। पहले ही हार गया वो, बड़ा कमजोर प्लेयर दिया मेरे को। सर्विस ठीक है, मतलब टाइम पास के लिए अच्छा सिस्टम है। ऐसी गेमिंग मतलब ऐसा एक्सपीरियंस अभी तक किसी स्मार्ट वॉच में हमें देखने को नहीं मिला है। हैट्स ऑफ टू फायरबोल्ट। आउटडोर विजिबिलिटी भी देखिए इसकी काफी अच्छी, लगभग 500 निट्स की ब्राइटनेस जो इसके अंदर हमें देखने को मिल जाती है। तो देखिए डायरेक्ट सनलाइट है, सनलाइट में भी इसमें काफी हद तक क्लियर डिस्क्राइब डिस्प्ले, और ये जो है शेडो के अंदर वहाँ भी काफी अच्छी क्लैरिटी आ जाती है। डस्ट एंड वाटर प्रूफिंग की बात करें दोस्तों तो ये स्मार्ट वॉच आती है IP67 पे, मतलब 1 मीटर तक गहरे पानी में आप इसको लेके जा सकते हैं। डस्ट सैंड एंड वाटर प्रूफ ये तीनों हो जाती है। फीचर्स की बात करें दोस्तों देखिए ऊपर नीचे स्वाइप करते कंट्रोल सेंटर आता है, सेटिंग्स, ब्राइटनेस, ब्लूटूथ कॉलिंग, फाइंड माय फोन, NFC का ऑप्शन है, ड्रॉप का बटन है, मतलब इससे आप पानी वानी निकाल सकते हैं, वॉच का SOS है और ऐसे GPS वाले स्पोर्ट्स मोड आपके आ जाते हैं। उसके बाद ऊपर को स्वाइप करते हैं तो आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आप लेफ्ट को स्वाइप करते हैं तो हार्ट रेट का डेटा देख सकते हैं, पूरे दिन की एक्टिविटी डिटेल्स, स्लीप ट्रैकर,
और ऐड कंपोनेंट्स। ऐड कंपोनेंट्स में तो फीचर्स की भरमार है, आप ये सारे के सारे फीचर जो है अपनी होम स्क्रीन पे लगा सकते हैं। उसके बाद जब आप राइट को स्वाइप करते हैं तो ये स्प्लिट स्क्रीन का फीचर आता है, जब और शॉर्टकट्स आ जाते हैं तो आपको मेन मेन्यू में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब बाहर ही मिल जाएगा। फिर बटन दबाते हैं तो आपका मेन मेन्यू खुल जाता है, जहाँ सारा के सारा डेटा देखते हैं, स्टेप्स का, स्लीप, हार्ट रेट, ECG भी दे रखा है इसके अंदर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, कैमरा कंट्रोल, कॉन्टैक्ट, डायल पैड, वॉइस असिस्टेंट। अलार्म की बात करते हैं दोस्तों, तो अलार्म वॉच के अंदर आप नहीं लगा सकते हैं, आपको ऐप में जाके लगाना पड़ेगा। ब्रीथ मोड है, कैलकुलेटर है, स्टॉप वॉच, माई कार्ड, यहाँ पे आप जो है QR कोड्स सेव कर सकते हैं और उनको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ये रिसिप्ट कोड भी है भैया, आप फोन पे वगैरह का कोड भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं पेमेंट लेने के लिए। फ्लैश लाइट है, स्टाइल्स हैं, स्टाइल्स मतलब मेन्यू स्टाइल्स हो गए, इसमें देखते हैं तो 5 मेन्यू स्टाइल्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। नोटिफिकेशन से, फीमेल साइकिल ट्रैकर और गेम्स है, गेम्स आप जितनी भी इसकी मोबाइल ऐप में वो इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, 7-8 गेम्स यहाँ पे दे रखी हैं। बाकी एप्लीकेशन मैनेजर के अंदर जाके यहाँ पे आपको एयर प्रेशर मॉनिटर एंड एल्टीट्यूड मीटर भी है, यार ये तो मतलब कमाल का फीचर दे दिया। लेकिन इसके लिए GPS कनेक्शन का होना बहुत जरूरी है इसके एक्यूरेटली मेजर के लिए। आई थिंक ये फोन का GPS यूज करके ही कर पाती होगी, एक बार चेक करके देखते हैं जरा, किया नहीं है एयर प्रेशर मॉनिटर। पर अगर एल्टीट्यूड मीटर की बात करते हैं तो देखिए अभी तो 205 मीटर दिखा रहा है, तो ये पता नहीं किस हिसाब से काम करता है, इसको आगे जाके हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद थर्मामीटर है, QR कोड है और सेटिंग्स में जाते हैं तो भरमार है फीचर्स की। स्क्रीन आउट टाइम देखते हैं यहाँ पे तो आप 60 सेकंड का और ऑलवेज ब्राइट वाला ऑप्शन भी लगा सकते हैं। उसके अलावा लैंग्वेजेस है, ब्राइटनेस एडजस्टमेंट, DND मोड, पिन लॉक, हुआ स्क्रीन लॉक का भी ऑप्शन दे देगा, पासवर्ड वगैरह आप लगा सकते हैं इसमें। नोटिफिकेशन है, मेन्यू स्टाइल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, वाइब्रेशन ऑन या ऑफ कर सकते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, इंटेंसिटी को ठीक कर सकते हैं, रिंगटोन को आप सेट कर सकते हैं, भाई कॉलिंग में कौन सा चाहिए, नोटिफिकेशन में कौन सा चाहिए, अलार्म में कौन सा चाहिए। साथ के साथ रेजिस टू वेकअप का जो है रिस्पॉन्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। टाइम सेटिंग्स आप कर सकते हैं, तो मतलब आपको यानी कि वॉच को पेयर करना पड़ेगा तभी चलेगी, यहीं पे आप डायरेक्ट टाइम चेंज कर सकते हैं। की डेफिनेशन मतलब बटन दबा के कौन सा फीचर एक्टिवेट होना चाहिए वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं शॉर्टकट। बैक साइड लैम्प मोड है, लो पावर सेविंग मोड है, बाकी ऐप है और पावर ऑफ रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब अगर आप नीचे का बटन दबाते हैं होम का तो यहाँ पे देखिए GPS वाले जो स्पोर्ट्स मोड है ओपन हो जाते हैं। अब जरा सरफेस के हार्ट रेट मॉनिटर की बात करते हैं, वैसे तो सरफेस को टच कर नहीं पा रही है तो इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस करके देखते हैं तो थोड़ा आई थिंक गैप हो रहा है, तो ये शायद सरफेस की रीडिंग जो है मुझे लगता है ले लेगी ये स्मार्ट वॉच, इसने मना कर दिया है रीडिंग लेने से। हार्ट रेट की एक्यूरेसी की बात करें देखिए दोस्तों, थोड़ा सा 3-4 रीडिंग का जो फर्क आ रहा है लेकिन अब बिल्कुल मैच होगी ऑक्सीमीटर से रीडिंग, तो मतलब हार्ट रेट का जो सेंसर है काफी अच्छे से काम कर रहा है। देखिए बिल्कुल एक्जैक्टली डेटा मैच हो जाता है ऑक्सीमीटर की रीडिंग से। SpO2 की रीडिंग्स की बात करें दोस्तों तो वो भी यहाँ पे ठीक ठाक निकल के आती है, बीच में थोड़ी सी हिल गई थी रीडिंग, वैसे भी हम कहते हैं कि स्मार्ट वॉचेस पे रिलाई मत किया कीजिए हार्ट रेट की रीडिंग्स के लिए। उसके अलावा इसमें ECG मॉनिटर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है और ब्लड प्रेशर मॉनिटर का भी, तो इन चीजों पर आप बिल्कुल विश्वास ना करें, ये रीडिंग्स जो है बस रेफरेंस के लिए ही बताएंगे। ऊपर वाला बटन दबा के जब आप जाते हैं वर्कआउट्स के अंदर तो यहाँ स्पोर्ट्स के अंदर जाएंगे तो आपको बाकी सारे स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएंगे। बाकी 105 स्पोर्ट्स मोड का सपोर्ट यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद अगर बात करते हैं जब आप ये सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे जो है कस्टम गोल्स का भी ऑप्शन है जो कि काफी रिक्वायर्ड फीचर रहता है आजकल, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। और बटन दबा के जब भी आपको स्पोर्ट्स मोड ऑन करते हैं तो यहाँ पे देखिए की इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं, डिस्टेंस की भैया पर मिनट कितना चले हो, टाइम आ जाता है, उसके नीचे जाते हैं तो स्टेप्स का डेटा आ जाता है, कैलोरीज बर्न का डेटा आ जाता है। लेफ्ट को स्वाइप करते हैं तो आप म्यूजिक कंट्रोलर भी ले सकते हैं, तो ये काफी काम का फीचर है, ड्यूरिंग द वर्कआउट आपको बार बार मोबाइल निकालने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा राइट को स्वाइप करते स्टॉप और पॉज कर सकते हैं वर्कआउट को। तो दोस्तों इसका जो इन ऐप GPS है वो प्योरली मोबाइल से काम करता है, मतलब अगर मैं मोबाइल रख दूंगा तो वह जो है स्टेप काउंट वगैरह कुछ नहीं करने वाली, आपको एक बार करके देखिए। अब हम इस मोबाइल को जो है इस मोबाइल को हम साइड में रख देते हैं और देखिए वॉच में कुछ कैप्चर नहीं होगा। ये मैं लगभग जो है 50 स्टेप्स चल चुका हूँ तब भी इसने 0 स्टेप्स कैप्चर किए हैं, तो अब देखिए अब मैं मोबाइल को जेब में रख के चलूंगा तो स्टेप कैप्चर होंगे। तो देखिए अब मैं जब ये पहन के चला, मैंने जब मोबाइल को पॉकेट में रखा तो उसके बाद इसने 22 स्टेप्स कैप्चर किए और सेम आपको यहाँ पे दिख जाएंगे वॉच के अंदर 22 स्टेप। तो मतलब ये ट्रू इन ऐप GPS नहीं है क्योंकि पूरे का पूरा मोबाइल पे डिपेंड है, तो वॉच का अगर कोई रोल ही नहीं रह जाता था तो मेरे हिसाब से इतना कोई ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है।
स्टेप काउंटर की एक्यूरेसी की बात करें दोस्तों, तो जब मैं 200 स्टेप चला तो इसने 194 कैप्चर किए, 400 पे 383, लेकिन जब 500 कंप्लीट किए तो थोड़ी सी एक्यूरेसी डाउन हो गई, 444 स्टेप्स इसने कैप्चर किए। तो इसके भी हम और आगे टेस्टिंग करके देखें कि कैसा रिस्पॉन्स निकल के आता है इसकी एक्यूरेसी का। वॉच फेसिस में तो दोस्तों इस स्मार्ट वॉच का कोई मुकाबला नहीं है, लगभग 200 के करीब वॉच फेसिस हैं, और देखिए आप कितने क्रिएटिव हैं, मतलब इसमें एनिमेटेड वॉच फेसिस की भी भरमार है और बहुत सारे अलग अलग टाइप के वॉच फेसिस, एनालॉग हो, डिजिटल हो, फीमेल्स के लिए हो, बच्चों के लिए हो, हर टाइप की वराइटी जो है यहाँ पे कंपनी ने कवर किया। तो वॉच फेसिस में इस वॉच ने जबरदस्त काम किया है। नोटिफिकेशन की बात कर देखिए दोस्तों, इंग्लिश नोटिफिकेशन 4 लाइन का ही आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं, जो कि काफी कम लेंथ है मेरे हिसाब से, थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था। उसके अलावा हिंदी नोटिफिकेशन का सपोर्ट इसमें देखने को नहीं मिलता है, वो ब्लैंक हो जाता है। बैटरी बैकअप की बात करते हैं दोस्तों, तो 320 mAh की बैटरी इसमें देखने को मिल जाती है, तो ये आपकी 3 दिन आराम से चल जाएगी कॉलिंग के साथ में, और 5 से 6 दिन आराम से चल जाएगी विदाउट कॉलिंग के साथ में। वीडियो तो आपने देख लिया होगा दोस्तों, कैसा लगा आपको मोशन सेंसिंग गेमिंग वाला फीचर, मतलब जो हम 50,000 के लोग खरीदते हैं ना मोशन सेंसिंग वाले, अपना वीआर लगा के गेम खेलते हैं, हल्का फुल्का वैसा एक्सपीरियंस आपको इसमें देखने को मिल रहा है। प्राइस है इसका जस्ट 2,499, बाकी फीचर्स आपने देखे कितनी भरमार है, डिस्प्ले बिल्कुल एमोलेड की टक्कर का है। तो मुझे इसमें बस एक वो जो इन ऐप GPS वाला जो फीचर है वो इतना अच्छा नहीं लगा, वो बस आपके डिस्टेंस की एक्यूरेसी में काम आएगा, स्टेप काउंटर में वो काम नहीं आने वाला है। बाकी इसका जो इन ऐप GPS वाला फीचर है वो इतने काम करें, डिस्टेंस की एक्यूरेसी में वो बिल्कुल काम आ जाएगा, स्टेप काउंटर के लिए इतना खास नहीं काम आएगा वो, बाकी सारे फीचर्स काफी अच्छे से इसके काम करें। तो 2499 में आप जरूर इस स्मार्ट वॉच को चेकआउट कर सकते हैं, बच्चे अलग खुश हो जाएंगे आपके। फिर आपका कोई क्वेश्चन या कमेंट है इस वॉच से रिलेटेड मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में नया रिव्यू, नया कंपैरिजन लेके, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। बाय बाय।